महाराष्ट्र में पेशवाई के खिलाफ की जो लड़ाई होती दो सौ साल पहले, उसको अभिवादन करने के लिए महाराष्ट्र के 250 संगठन जो है इकट्ठा आए थे और उनकी तरफ से एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम था कि भीमा कोरेगांव में जो स्तंभ बनाया गया है उसका हम लोग आदर करेंगे और उसका आदर करते समय जो सैनिक उन्हें उसमें सहयोगी थे उनको हम लोग अपनी सुमन और श्रद्धा वहाँ पर अर्पण करके चले जाएंगे। वहाँ कोई पब्लिक मीटिंग का आयोजन नहीं था स्थान, और उसके साथ साथ हिंदू एकता आघाड़ी के प्रमुख जो है मिलिंद एकबोटे, इन्होंने जो है जो आने वाले थे उन पर हमला किया। इनका हमला भीमा कोरेगांव में नहीं था, लेकिन भीमा कोरेगांव के पास में आने वाले जितने रास्ते थे उन पर ये हुआ था और उनकी बसें जलाई थी, गाड़ियां जलाई थी और उनको मारपीट भी हुई थी। लोगों में काफ़ी बड़ा रोष था कि ना किसी अखबार ने इसकी वार्ता ली, ना कहीं और इसकी चर्चा हुई, सरकार की तौर से तो ये दबाने की बात हुई और उसकी एक रिएक्शन महाराष्ट्र में दिखाई दी कि लोग अपनी तौर से जो है वो आंदोलन करना शुरुआत हुआ। हम लोग जानते थे यहाँ पर कि परिस्थिति जो है वो बेकाबू है, क्योंकि ये सिर्फ दलित आंदोलन नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र की 50% जनता जो है जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ी है और उस वक्त भी पिछड़ी थी, उन्होंने इस ये 200 साल की लड़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी और वो उसमें सहयोगी होने के साथ वो अपनी एक रिकग्नाइजेशन की बात कर रहे थे। उनको रिकग्नाइजेशन नहीं हो रहा था, इसलिए उस आंदोलन का एक उग्र स्वरूप हो गया था। उसको बचाने के लिए हम लोग ने जो है अर्जेंट मीटिंग ली और अर्जेंट मीटिंग में लेते हुए ये कहा कि भैया आज जो है वो तो पूरे दिन महाराष्ट्र का बंद होगा, और ऐलान करते समय हम लोगों ने ये कहा कि शांतिपूर्वक ये बंद होगा। लोगों ने हमको साथ दिया और बंद जो है वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, शांतिपूर्वक हुआ है। और अभी हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि भैया इस बंद का जो है हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं और इस उम्मीद से विड्रॉ कर रहे हैं कि जो मेन आरोपी है जिसके नाम हम लोग ने लिए यहाँ पर संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे, इनको पुलिस सरकार अरेस्ट करेगी। और जो निर्णय याकूब मेनन को लगाया गया था वही निर्णय इनको लगेगा। याकूब मेनन का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए कहा था कि ये हकीकत में उस बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं थे, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट जो होने वाला था इनकी जानकारी थी, उसको इन्होंने मदद किया है और ये भी उतने दोषी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की लाइन थी उस वक्त याकूब मेनन के बारे में, वही रेशियो जो है वो इन दोनों को लगेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, और 302 का मुकदमा इन पर चलेगा ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि इट वॉज अ वॉर ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। आज फ्रेंच क्रांति की हम लोग बात करते हैं बिकॉज इट गेव अ न्यू प्रिंसिपल टू द वर्ल्ड। ये जो 200 साल की जो लड़ाई है, ये जिस तरह से पेशवाओं ने, पेशवा की जो रेजिमेंट थी उस पेशवा के रेजिमेंट ने सोशली ऑक्ट्राइजेशन लोगों का किया था। कुछ लोगों को तो हद तक इतने गए थे कि उनके पीछे झाड़ू लगाना और मटका लेके घूमना, ये जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ की ये लड़ाई थी। तो इट वॉज अ सोशल रेवोल्यूशन। उस सोशल रेवोल्यूशन को दोबारा 200 साल हुआ है, उसको मानवंदना करना चाहिए, उसको हम लोग ने मानना चाहिए, इसलिए लोग इकट्ठा हुए थे और उसका सेलिब्रेट ये प्रोग्राम था। मेरे हिसाब से वैंडलाइजेशन जो कल हुआ वो अलग बात है, आज के दिन के बंद में मेरे ख्याल से कोई बस, मेरे हिसाब से आज भी पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से पूछने के बाद मेरे ख्याल से कोई वैंडलाइज नहीं हुआ।